गुना एमपी के ग्राम विशनपुरा में हिंदू रक्षा संघ की सभा हुई, जिसमें मध्य प्रदेश अध्यक्ष कल्याणपुरी जी, उपाध्यक्ष ब्रजेश रघुवंश जी, जिलाध्यक्ष गुरजीत सिंह, उपाध्यक्ष रामदयाल यादव, श्रीलाल बब्बा, प्रदेश सचिव डॉक्टर बीएल मीना जी ने भाग लिया और आगामी विशाल सम्मेलन की रूपरेखा तय की तथा गाय माता की रक्षा सुरक्षा इलाज हेतु रुठियाई पठार पर गौशाला बनाने पर मंथन किया गया। नगर पालिका राघोगढ़ को इस संदर्भ में ज्ञापन दिया जाना तय हुआ। साथ ही वक्ताओं ने मध्य प्रदेश सरकार को और बेहतर रखरखाव हेतु कार्य योजना पर अपने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। उक्त तो सुझावों को सार बनाकर शीघ्र ही प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को संघ का प्रतिनिधि मंडल द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा। जल शक्ति संघ की बैठक में तय रखा था और विशनपुरा गांव में सभी परिवार के साथ में और हमारे उपस्थित राष्ट्रीय हमारे ब्रजेश रघुवंशी जी, राष्ट्रीय उपाध्याय जी हमारे साथ में हैं और प्रदेश उपाध्याय जी हमारे साथ में हैं, रामदयाल यादव जी और जिला अध्यक्ष गुरजीत सिंह जी हमारे और प्रदेश सचिव हमारे श्रीलाल बब्बा जी साथ में और विधानसभा प्रभारी हमारे बनवारी लाल शर्मा जी और बीएल मीना जी डॉक्टर साहब वे भी हमारे साथ में है, करण सिंह जिला मंत्री साथ में। आज हमारी हिंदू रक्षा शक्ति संघ की कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और गौ माता को लेकर ज्यादा करके विशेष बात हुई है। बात हमने यही की है कम से कम हर घर पे एक गाय होना चाहिए और सरकार से ये नियम भी करेंगे, हम लागू करेंगे, सरकार जिसके घर में गाय हो उसको ही शासन की योजना मिल रही है, उसको मिलना चाहिए। जिसके घर पे गाय नहीं है उसी योजना सरकार को बंद कर देना चाहिए। ये हमारी आज बैठक के चर्चा हुई मांग है। जो रोड पे गौ माता मारी मारी फिर रही, जिलाधीश से भी मांग करते हैं कि भाई जो गौ माता रोड पे चल रही है कम से कम एक जो पट्टी लगती है अगर उसके लगा